अस्सलाम वालेकुम, मैं बस मैं और रियाना सिंह, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपको दोबारा अपने सोलर सिस्टम पे बात करने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपको मैंने बताया था कि हमने 8 प्लेटें लगवाई हुई हैं और सारा सिस्टम आपको बताया था। आज हम फिर ये बताएंगे कि इन हम 8 प्लेटों के ऊपर क्या क्या इस टाइम चलाते हैं। ये भी दोपहर का टाइम है, फुल तेज़ धूप निकली हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ धूप सारी है। अब आज आपको ये बताएंगे कि इन 8 प्लेटों के ऊपर क्या क्या चल सकता है। तो चलें चलते हैं, अब हम आपको बताने। तो व्यूअर्स, इस टाइम में आ यहाँ नीचे आ गया हूँ। यहाँ पर भी हमारे यहाँ पर 2 पंखे चल रहे हैं और तमाम यहाँ की लाइटें ऑन हैं। और इस तरफ आप देखते हैं तो आपको ये हमारा गैराज नज़र आ जाता है। तो ये रहा हमारा गैराज और इसी तरफ है हमारा क्या कहते हैं ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम में भी इस टाइम सारा कुछ ही तकरीबन चल रहा है। ये लाइटिंग भी सारी ऑन है और ये पंखे भी हमारा सोलर के ऊपर चल रहा है। अब आपको मैं अपनी दादू का रूम दिखाता हूँ। दादू के रूम में भी सारा कुछ चल रहा है, डिस्पेंसर भी चल रहा है। यहाँ पर सारी लाइटें हमारी इस टाइम में सारा कुछ सोलर के ऊपर। अच्छा, तो अब आप जरा ये दिखाएं कि लोड इस वक्त कितना सोलर कैपेसिटी से कितना लोड आ रहा है ऊपर से। और अब मैं आपको आप इस यूपीएस की जो हमारा इस टाइम सोलर और वापडा का वो हो रहा है, अब मैं आपको वो दिखाता हूँ। आप इधर आके देख सकते हैं ये वापडा है, ये बिल्कुल बंद है, यानी कि इस टाइम हमारी तमाम चीज़ें सोलर के ऊपर चल रही हैं। और इस तरफ भी आप देख सकते हैं ये यूपीएस है। अब यहाँ पर आप सारा इनको बता देते हैं। इस वक्त 2.92 किलोवाट जो है प्रोडक्शन हो रही है और 2.76 जो है इस वक्त आपका सोलर यानी कि बिजली जो है ना घर पे कंज्यूम हो रही है। तो अब आप अपने व्यूअर्स को ये बताएं कि इस वक्त हर चीज़ जो घर पे आप जो दिखा रहे हैं हमें, ये सारी चीज़ें इस वक्त सोलर पे चल रही हैं जी, यानी कि वापडा बिल्कुल भी आपका यूज़ वापडा बिल्कुल बंद। तो आपने कितनी बैटरियाँ लगवाई थी इसमें? हमने लगाई थी 4 बैटरियाँ। ये 4 ट्यूबलर बैटरीज लगी हुई हैं, फिजिका कंपनी हमने यूज़ की थी, 2 साल की इसकी वारंटी हमें कंपनी की तरफ से मिली थी, लेकिन होपफुली ये इंशाल्लाह 2 साल से ऊपर ही चलेंगी। तो अच्छा, ये तो अभी आपने जितना भी लोड हमें चेक करवाया ये एक नॉर्मल लोड है, ठीक है? पंखे वगैरह चल रहे हैं, यानी कि 2 इधर चल रहे थे, 3-4 पंखे नीचे चल रहे हैं, लाइट चल रही है। तो कोई एसी वगैरह या फ्रिज वगैरह भी चल रही हैं जी? एसी वगैरह भी सारा कुछ, वो भी आप हमें ज़रा चेक कराएं। अब आपको वही दिखा, अभी बस इस टाइम मैं अपने फर्स्ट फ्लोर पे आ गया हूँ। अब यहाँ पर उससे भी ज़्यादा क्या कहते हैं जो हमारी बिजली है ना, वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज होती है। इस तरफ हमारा चल रहा है फ्रिज, आप देख सकते हैं फ्रिज ये सारा चल रहा है। और क्या कहते हैं ये फ्रिज यानी कि ये सोलर पे है जी? ये भी सोलर पे है और ये डीप फ्रीजर भी हमारा सोलर पे। डीप फ्रीजर भी इस वक्त सोलर पे है, डीप फ्रीजर भी चल रहा है। और इधर की भी तमाम 2 पंखे यहाँ पर लगे हुए हैं और लाइट्स वगैरह सारे ऑन हैं। और ये कूलर भी ऑन है हमारा, ये एयर कूलर ऑन है। और ये इस तरफ आप देख सकते हैं ये एक्वेरियम का पंप और एक्वेरियम भी, एक्वेरियम की लाइट भी ऑन है। और ये सारा कुछ भी अभी तक यानी कि ना सोलर पर चल रहा है। और इस तरफ अच्छा, हमारी एसी वगैरह भी अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब आप आए, ये हमारा रूम है, अब इस तरफ एसी भी एक चल रहा है। ये देखें व्यूअर्स, इस वक्त ये रूम में पंखा भी चल रहा है और लाइट्स भी चल रही हैं और एसी भी चल रहा है जी 26 पर जी। और इस वक्त जो एसी कितने आपके वाट्स ले रहा है, ये इन्वर्टर एसी है या सादा है? ये इन्वर्टर एसी है। अच्छा जी, इन्वर्टर एसी है और 461-460 वाट्स ये ले रहा है इस वक्त, ठीक है? 26 टेम्परेचर के ऊपर हमने इसको सेट किया हुआ है, 26 टेम्परेचर पे चलते हुए ये 460 वाट ले रहा है। अच्छा जी, अब इस वक्त तक जो चीज़ें हमने देखी हैं वो नीचे के 4 पंखे हैं और ये 3 पंखे ऊपर हमने गिन लिए हैं। एक एयर कूलर चल रहा है आपका, फ्रिज चल रही है, डीप फ्रीजर चल रहा है, एक एसी ये चल रहा है, इसके अलावा भी कोई चीज़ चल रही है इस पर?
एक और एसी इसके ऊपर चल रहा है। अच्छा, यानी कि दो दो एसी चल रहे हैं जी मुफ्त में, और मोटर भी साथ चल रही है। अच्छा, दो एसी मुफ्त में ही चल रहे हैं जी। वाह जी, आप दूसरा एसी भी हमें चेक कराएं जरा जी। तो आप व्यूअर्स, इस बार अब इस टाइम मैं आपको दूसरे कमरे में ले चलता हूँ जहाँ पर दूसरा एसी चल रहा है। और इधर आप देख सकते हैं ये अयान साहब यहाँ पर आराम फरमा रहे हैं। अयान साहब तो यहाँ पर सुकून से लेटे हुए हैं जनाब, अब उठे नहीं हैं आप अभी तक। इस अच्छा तरफ चल रहा है हमारा एसी। अच्छा, ये एसी ये भी चल रहा है, ये फैन भी चल रहा है, यहाँ पे फैन भी चल रहा है, लाइट्स भी चल रही हैं। ये एसी अब कितने एम्पीयर ले रहा है आपका? अच्छा जी, ये 2.4 एम्पीयर ये एसी ले रहा है। तो इसका मतलब है कि इस वक्त आपके जो लोड जितना भी है उसके ऊपर दो एसी चल रहे हैं, एक फ्रिज चल रही है, एक डीप फ्रीजर चल रहा है, और दो चार पंखे ये हैं, चार पंखे नीचे हैं, आठ एक एयर कूलर चल रहा है, और उसके अलावा जो लाइट्स वगैरह सारी चल रही हैं, और फिश एक्वेरियम का भी सारा सिलसिला चल रहा है, और एयर कूलर वगैरह चल रहा है। अच्छा, इसके अलावा भी हम लोग इस वक्त कोई चीज़ चला सकते हैं इसके ऊपर? इसके ऊपर हम पानी वाली मोटर भी चला सकते हैं, और क्या कहते हैं, इस्त्री वगैरह चला सकते हैं, इस्त्री वगैरह भी चला सकते हैं। यानी कि पानी की मोटर भी चल जाएगी इसी वक्त, और इस्त्री भी चल जाएगी, वॉशिंग मशीन भी चल जाएगी। वॉशिंग मशीन मेरा हाल चल भी रही है शायद, आगे चल रही थी आगे। अच्छा तो अच्छा, अब आप अपने व्यूवर्स को क्या मशवरा देते हैं कि क्या सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए घर पे कि नहीं लगवाना चाहिए? जी जरूर लगवाना चाहिए, ये बहुत ज्यादा हमारा फायदा करता है, इससे बिल भी हमें कम आता है। ठीक है, पहले बहुत ज्यादा बिल आता होता था लेकिन अब हमारा नॉर्मल नहीं इतना। सही है, यानी कि बिल भी अब आपका ठीक आ रहा। तो व्यूवर्स, यहाँ पर अपना व्लॉग करते हैं हम खत्म। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो, ये जो सोलर के बारे में हमने इंफॉर्मेशन आपको दी है वो अच्छी लगी होगी। अगर आपके सोलर के बारे में क्या कहते हैं कोई और भी सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट में भेजें, मैं आपको ज़रूर उसका जवाब दूंगा। और एक और बात, हम सुबह 7:30 बजे से लेके 7:30 बजे हम टोटल पूरा वापडा डिस्कनेक्ट कर देते हैं, और शाम 5 बजे के करीब वापडा ऑन करते हैं। तो मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।